भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ है। विभागों के बंटवारों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारे का अनुमोदन किया है और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बकायदा वो लिस्ट के महत्वपूर्ण विभागों को दिखाया था जिस तरह से बंटवारा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा को भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिले हैं, जहां भजनलाल मुख्यमंत्री को मिले हैं, गृह विभाग मिला है, आबकारी उनको मिला है, कार्मिक प्रशासन विभाग उन्हें मिला है, वहीं दिया कुमारी को भी 6 विभाग मिले हैं जिनमें गिनती है वित्त विभाग की। इसके अलावा दिया कुमारी को मिला है पर्यटन विभाग, दिया कुमारी को मिला है, और उसके अलावा प्रेमचंद भैरवा की बात करें तो फिर उन्हें भी महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग ये भजनलाल शर्मा को मिले हैं। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, सचिवालय दिया कुमारी, कला साहित्य पुरातत्व विभाग, परिवहन उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी विभाग, आयुर्वेद 4 विभाग मिले हैं। इसके अलावा किरणलाल मीणा जो कि वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, उन्हें कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग किरणलाल मीणा को दिया गया है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह खिवसर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण विभाग, कन्हैयालाल चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे और फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भू विभाग उन्हें दिया गया है। ऊर्जा विभाग जिसको लेकर के भी कई चुनौतियां रही हैं, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मिला है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, 8वें नंबर पर शपथ ली थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग वाणिज्य विभाग मिला है। खेल विभाग दिया गया है क्योंकि स्पोर्ट्स में मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित कर चुके हैं। संजय शर्मा वन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिला। हेमंत मीणा ये नाम भी चर्चा में रहा था जब शपथ ली थी। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग इन्हें दिया गया। और देखिए इंतजार हो रहा था, 30 दिसंबर को शपथ ली थी राजस्थान में 22 मंत्रियों ने, 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद कवायद तेज की गई थी, विभागों के बंटवारे की एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी और यही कयास लगाए जा रहे थे। आज जब राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया तो फिर इंतजार था किसी भी वक्त जारी होने वाली सूची का, औपचारिक तौर पर ऐलान की का इंतजार हो रहा था और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले लिस्ट जो जारी हुई है वो दर्शकों को दिखाई है। इसके अलावा संकेत पहले ही दे दिए गए थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, चूंकि अब विभागों का बंटवारा हो चुका है लेकिन जानकारी चाहेंगे, वरिष्ठ नेताओं को तो दिए गए हैं महत्वपूर्ण विभाग लेकिन यहां उनकी भी चर्चा करनी होगी क्योंकि जो 17 पहली बार मंत्री बनाए गए थे उनमें प्रोफाइल का वितरण भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए शिखा, यहाँ पर जो सारे विभाग मिले हैं उनमें अगर 3 लोगों की अगर बात करते हैं जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार मंथन किया, चर्चा की, बात की, और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री ने एक दो दिन बैठे हों, कम से कम 10 मीटिंग इन्होंने की। दिल्ली भी गए थे, दिल्ली में भी आला कमान से चर्चा की और जयपुर में भी विचार परिवार के लोगों के अलावा पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा के बाद जो इन्होंने पूरा प्लान बनाया। तो महत्वपूर्ण बात यह कि फाइनेंस इन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो दिया कुमारी को दिया। वहीं भजनलाल शर्मा ने स्वयं के पास सबसे महत्वपूर्ण महकमा होता है जो सरकार की छवि बनाता है वो है गृह विभाग, वो रखा है और अपनी टीम में उन्होंने जवाहर सिंह बेडम को यानी गुर्जर चेहरे को गृह राज्य मंत्री बनाते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मा दे दिया है। साथ में सामान्य प्रशासन विभाग एक सीएम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, कार्मिक विभाग महत्वपूर्ण होता है, आबकारी विभाग भी इन्होंने स्वयं रखा है और डीपीआर महकमा जो कि सरकार की छवि को पेश करता है और डीपीआर महकमा बेहद महत्वपूर्ण महकमा होता है, इसे और एसीबी को जो कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है उन्हें अपने पास रख लिया है। बाकी दिया कुमारी को पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महकमा दे दिया, महिला और बाल विकास महकमा दे दिया, बाल अधिकारिता महकमा दे दिया, इस तरीके से दिया कुमारी को पर्यटन विभाग देते हुए कई महकमे दिया कुमारी को दे दिए हैं। वहीं इस पूरी फहरिस्त पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो किरोड़ीलाल मीणा को कृषि और उद्यानिकी विभाग, कृषि महकमा बहुत बड़ा महकमा है ये दे दिया, ग्रामीण विकास दिया है, पंचायती राज मदन दिलावर को दिया है, ग्रामीण विकास किरोड़ीलाल मीणा को दिया है,
आपदा प्रबंधन साथ में दे दिया है, और जो उनकी पसंद है कि जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुनते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो उन्हें जन अभाव अभियोग निराकरण महकमा भी दे दिया है। तो राजस्व महकमा एक और मीणा चेहरा है, उन्हें दिया है। तो यहाँ पर शिखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो पूरी की पूरी अपनी टीम बनाई है, इस टीम में बैलेंस करने की कोशिश की है, संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसमें जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं तो राजस्व हमेशा जाट चेहरे को मिलता था, इस बार मीणे को, मीणा समाज को दिया है। तो दूसरी तरफ उनके साथ जाट को रखा है, विजय सिंह को उनके साथ रखा है राज्य मंत्री के तौर पर। मंजू वाघमार और दिया कुमारी दोनों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल बैठ सकता है, क्योंकि मंजू वाघमार डॉक्टर हैं, तो मंजू वाघमार को दिया कुमारी के साथ है इसलिए लगाया राज्य मंत्री के बतौर की पीडब्ल्यूडी भी है, महिला बाल विकास भी है, बाल अधिकारिता भी है, तो आपस में इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे। के विक्नोई को लगाया है राजवर्धन सिंह राठौड़ के साथ, के विक्नोई राज्य मंत्री है, लेकिन के विश्नोई को चार बड़े महकमे दे दिए हैं, इनको उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री बना दिया है, युवा मामलों में खेल विभाग का राज्य मंत्री बनाया है, कौशल नियोजन का दे दिया है, तो इनको अटैच करने की कोशिश की है। ओटाराम देवासी को पंचायती राज महकमा दिया है, ग्रामीण विकास महकमा दिया है, यानी किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर के साथ जुड़े रहेंगे, किरोड़ी लाल मीणा के साथ और मदन दिलावर के साथ जुड़े रहने के अलावा हीरालाल नागर महत्वपूर्ण महकमा हीरालाल नागर को दिया है, कन्हैयालाल चौधरी को पीएचडी दिया है। अक्सर पीएचडी महकमा जाट मंत्रियों को मिलता था, पिछली सरकार में महेश जोशी के पास था, किरण माहेश्वरी के पास, कभी सांवरलाल जाट के पास हुआ करता था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैयालाल चौधरी पर विश्वास जताया। और बीसलपुर क्षेत्र जो है उनके पास में, अब उनके पास एक बड़ी चुनौती होगी कि बीसलपुर का पानी अपने क्षेत्र में भी दिलवाने की। फिर इसके अलावा जोराराम कुमावत, सुमित गोदारा, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय अधिकारिता महकमा, भले ही एक महकमा है लेकिन बहुत बड़ा महकमा है ये, इस महकमे को छोटा महकमा नहीं माना जा सकता, जितनी भी पेंशन योजनाएं और जो जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं वो इसी महकमे के अंतर आती है। और ये जो चाहे कई सारे बोर्ड बने हुए हैं अलग अलग समाजों के, नाई समाज का बोर्ड हो या विप्र कल्याण बोर्ड हो या फिर कुमार समाज का हो, योगी समाज का हो, सारे बोर्ड इसी में आते हैं, सारे समाज इसी में आते हैं, तो ये महकमा बहुत बड़ा महकमा हो जाता है। सुमित गोदारा को खाद्य नागरिक आपूर्ति महकमा और उपभोक्ता मामला विभाग इसलिए दिया है कि सुमित गोदारा को हालांकि मेडिकल की भी अच्छी नॉलेज है, कई महकमों की अच्छी नॉलेज है, अच्छे वक्ता है, इंटेलिजेंट है, लेकिन खाद्य नागरिक आपूर्ति महकमा देने का मतलब यह है कि प्रदेश में जो ये लगातार एक बड़ा मामला उठता है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर हमेशा आवाज उठाई जाती रही, तो मानकर चलिएगा कि बड़े पॉपुलर हो जाएंगे अगर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक बड़ा अभियान इन्होंने चला दिया तो। जी शिखा, ऐश्वर्य एक और जानकारी दीजिएगा, आपको याद होगा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो फिर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था, बस एक ही विवाद उस वक्त देखा गया था जब सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाया गया था, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी और कहा था कि घोषणा होने से पहले, नतीजे आने से पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया गया है। और अब चूंकि आज चुनाव भी थे वहां, लेकिन अब उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं यहां सुरेंद्र पाल टीटी की, तो कृषि विपणन उनके नाम है, कृषि सिंचित क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर है, इन्हें कैसे देख रहे हैं आप जो इन्हें विभाग दिए गए हैं सुरेंद्र पाल टीटी को? देखिए, कृषि सिंचित क्षेत्र, विकास, जल उपयोगिता महकमा, इंदिरा गांधी नहर बहुत बड़ा महकमा है, इंदिरा गांधी नहर ये उसी क्षेत्र से आते हैं, और अल्पसंख्यक मामला और वक्फ विभाग इन्हें इसलिए दिया है कि ये खुद अल्पसंख्यक है, तो इस बार मुस्लिम कोई भी नहीं जीता तो अक्सर मुसलमान को दिया जाता था ये महकमा, लेकिन अब मुस्लिम कोई नहीं जीता है तो इन्हें ये जिम्मेदारी दे दी है, ये भी अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, तो इन्हें ये जिम्मा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का रिजल्ट की प्रतीक्षा सभी को रहेगी कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कितने मतों से जीतते हैं या फिर कांग्रेस जीतती है, कौन जीतता है, ये देखने वाली बात रहेगी, इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पर गौर फरमाते हैं तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के साथ गृह रक्षा विभाग ये बाबूलाल खराड़ी को दिया है, बेहतरीन मंत्री माने जाते हैं, पूरी टीम में सबसे सरल और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति, एक छोटी सी झोपड़ी में इनका घर है और लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत सामान्य से अंदाज में रहते हैं, और गुलाब चंद कटारिया ने इन्हें गढ़ा था। और इनके अलावा सुरेश रावत को जल संसाधन महकमा, बहुत बड़ा महकमा है, जल संसाधन महकमा अपने आप में बहुत बड़ा महकमा है, आयोजना जो है जल संसाधन आयोजना भी है इनके पास, लेकिन जल संसाधन महकमा का मतलब यह है कि अब इन्हें
जो ईआरसीपी परियोजना है उसका भी इन्हें देखना पड़ेगा। मदन दिलावर को पंचायती राज महकमा दिया है, हाँ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया कुमारी से थोड़े कम महकमे रखे गए हैं, लेकिन उद्योग और वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार विभाग इन्हें दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आती कि जब स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा के पास है तो संजय शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, तो दूसरी तरफ इनके पास सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमा अलग है, और तो दूसरी तरफ जो संजय शर्मा को दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमा अलग है, ये थोड़े से अलग करने की कोशिश की है। वैसे बेटर होता कि एक ही मंत्री तक ये जाते, हालांकि मुख्यमंत्री भजन लाल ने बेहतर से बेहतर सोचकर ये तमाम महकमे वितरित किए हैं, और मुख्यमंत्री भजन लाल की इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये दिखाई देती है कि अक्सर मुख्यमंत्री फाइनेंस से जुड़ी चीजें हैं उनमें व्यस्त हो जाते हैं। अब दिया कुमारी बजट भाषण भी वही पढ़ेंगी, बजट पेश वही करेंगी, और जब वो बजट पेश करेंगी प्रदेश का तो दिया कुमारी जब तो इनके पास गृह महकमा खुद मुख्यमंत्री भजन लाल रखेंगे तो ये कानून व्यवस्था पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत बिल्कुल ऐश्वर्य लौटेंगे आपके पास।